गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर ग्रामर न्यू टॉपिक द प्रोनाउन. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज प्रोनाउन? द वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउन्स. जो वर्ड्स को हम नाउन के प्लेस में, नेम के प्लेस में यूज़ करते हैं, उन्हें हम प्रोनाउन्स कहते हैं. जैसे हिंदी में हम कहते हैं सर्वनाम, सर्वनाम को ही इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं. सो देर आर many kinds of pronouns and we are going to learn it one by one, which will be getting into your mind and you will be able to understand it properly. So first kind is personal pronouns. Personal pronouns, what are they, ये क्या होते हैं और कैसे use होते हैं? Personal pronouns में three persons होते हैं, first person, second person and third person. First person वो होता है जो बात कर रहा है, जो कह रहा है. सेकेंड पर्सन वो होता है जिससे बात हो रही है, जिसको कही जा रही है. थर्ड पर्सन वो होता है जिसके विषय में बात की जा रही है, जे जो टॉपिक होता है. सो हाउ वी विल सी द एग्जांपल्स हाउ वी यूज द प्रोनाउंस. आई, वी, मी, अस, माइन, माई एट्सेट्रा आर पर्सनल प्रोनाउंस. जैसे कि मैं भी कह रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ और मैं अपने लिए प्रोनाउंस आई, वी, मी ये सब यूज़ करूँगी. सेकेंड पर्सन, अब मैं आपसे ये कह रही हूँ तो यू आर द सेकेंड पर्सन. सो वी विल यूज़ प्रोनाउंस फॉर सेकेंड पर्सन एज यू, योर, थो, थी, थाई एट्सेट्रा. थर्ड पर्सन, जिसकी बात हो रही है. इफ़ आई एम टेलिंग यू अबाउट टेक अ पर्सन एज राम, आप सोचो कि मैं राम की बात कर रही हूँ, तो राम इज़ द थर्ड पर्सन. तो राम के कॉन्टेक्स्ट में हम प्रोनाउन कैसे यूज़ करेंगे? ही, हिज, हिम, शी, हर, दे, देम, देयर. नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव और एम्पथेटिक. एम्पथेटिक प्रोनाउंस यूज्ड एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्ब बट रिफर टू द सेम पर्सन. ये वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है बट सेम पर्सन को ही रिफर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, माई, योर, हिम, हर प्लस सेल्फ. अगर हम इसमें सेल्फ मिला देंगे तो माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ. वैसे ही आवर, योर, देम में हम सेल्फ मिला देंगे तो योर सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, ऐसे. नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज्ड फॉर पॉइंटिंग आउट अ पर्सन और अ थिंग. ये किसी पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर थिंग को डिफाइन या डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है. जैसे कि दिस फॉर सिंगुलर, दीज फॉर प्लूरल, दैट फॉर सिंगुलर, दोज फॉर प्लूरल. सच मीन्स लाइक. जैसे कि आई लाइक सच पीपल, सच का मतलब होता है उस तरह के लोग. इंटरोगेटिव प्रोनाउंस यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चंस. ये प्रोनाउंस क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज होते हैं. जैसे कि हु, हुम, हूज. Whose book is this? Whom this book belongs to? Who are you? ये सारे प्रोनाउंस हम किसी थर्ड पर्सन को या सेकेंड पर्सन को कह रहे हैं. वी आर रेफरिंग एज देम एज हु, हुम, हूज एंड थिंग्स के लिए विच, विच एंड वॉट. नेक्स्ट काइंड ऑफ प्रोनाउन इज रिलेटिव प्रोनाउंस. इट इज़ यूज फॉर रिलेटिंग. जैसे कि ये किसकी चीज़ है, ये किसके साथ थी, ये किसके लिए है, ये उनके लिए है. इन इंग्लिश वी से होम, हूज, हूज, हूज बुक इज़ दिस, होम डू यू थिंक इट इज़, विच इज़ योर फेवरेट कलर, और विच इज़ दैट पर्सन इज़ योर नेफ्यू, और इज़ दैट योर पर्सन इज़ योर नेफ्यू, लाइक दिस. नेक्स्ट इज इनडेफिनाइट प्रोनाउंस. दे आर नॉट यूज फॉर एनी पर्टिकुलर और स्पेशल पर्सन. ये किसी पर्टिकुलर और स्पेशल डेफिनेट पर्सन के लिए यूज़ नहीं होता. वी कैन यूज़ इट फॉर एनी बडी और एनी थिंग. फॉर एग्जाम्पल, एनी, एनी वन, सम, सम वन, नन, वन, नो वन, एवरी बडी, सम थिंग, एनी थिंग और नथिंग. नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. इट इज़ यूज फॉर अ पर्सन और थिंग वन एट अ टाइम. अगर हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ थिंग्स के लिए बात कर रहे हैं तो वो उसके लिए एक एक टाइम पर एक ही वर्ड यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल,
ईच, टॉक अबाउट ईच वन ऑफ टू पर्सन्स और थिंग्स। जैसे कि आपकी क्लास है, इफ़ आई से यू ईच वन ऑफ यू स्टूडेंट शुड कम्प्लीट द वर्क, सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव। नेक्स्ट इज फॉर एवरी, अगर सभी के लिए यूज़ करना है, सो मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स। आइदर, आइदर यानी कि किसी आपके लिए या मेरे लिए, किसी एक के लिए। नाइदर, इट मीन्स किसी के लिए भी नहीं। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड कम्प्लीट द वर्कशीट गिवन टू यू विद दिस। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ आस्क मी। थैंक यू।